हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो स्ट्रक्चर ऑफ आई का जो नेक्स्ट पार्ट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो रेटिना होती है, रेटिना में अपने को दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। ये मैं पूरा बता चुका हूँ। अब यहाँ पर अपने को ये देखना है कि भाई जैसे हम ये देख रहे हैं आपका रॉड सेल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये हमारे पास क्या हो गई, ये रॉड सेल हो गई। कौन सी सेल हो गई आपका, रॉड सेल हो गई। इसमें एक प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है, इस पिगमेंट को हम बोलते हैं यहां पर रोडोप्सिन पिगमेंट। ये पिगमेंट क्या कहलाएगा, ध्यान रखेंगे आप, ये रोडोप्सिन पिगमेंट, ठीक है। पिगमेंट बोल दिया, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये रोडोप्सिन पिगमेंट, रोडोप्सिन पिगमेंट इज नेसेसरी फॉर विजन इन डिम लाइट, ठीक है। मतलब कम प्रकाश में दृष्टि ज्ञान के लिए कौन सा पिगमेंट चाहिए, रोडोप्सिन पिगमेंट चाहिए। रोडोप्सिन पिगमेंट कहां पर है, रॉड सेल में है। और ये अपने को ध्यान रखना है, ये है आपका रेटिनॉल। क्या चीज है आपका, ये रेटिनॉल। नाम सुने होंगे पहले आप लोग, ये क्या हो गया आपका रेटिनॉल। रेटिनॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, ध्यान रखना है आपको, रेटिनॉल है। और रोडोप्सिन पिगमेंट के संश्लेषण के लिए इसकी उपस्थिति आवश्यक है। आया पॉइंट समझ में। मतलब अब यहां पे स्टोरी देखना, हमको चाहिए विटामिन ए रेटिनॉल के फॉर्म में, उससे क्या बनेगा, रोडोप्सिन पिगमेंट बनेगा। रोडोप्सिन पिगमेंट कहां पर पाया जाएगा, रॉड सेल में। किस प्रकार का दृष्टि ज्ञान होगा, कम प्रकाश में दृष्टि ज्ञान होगा। आया समझ में, कम प्रकाश में दृष्टि ज्ञान होगा, यह ध्यान रखना है। तो ये हो गई स्टोरी। अब मान लिया जाए विटामिन ए की कमी हो गई, आप पढ़ते चले आ रहे हैं, क्या पढ़ते हैं, विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिजीज में आप क्या पढ़ते हैं, ब्लाइंडनेस, रतौंधी पढ़ते हैं, रतौंधी। तो रतौंधी आप क्या पढ़ते हैं, विटामिन ए की डेफिशिएंसी, से ज्यादा अपन नहीं जानते हैं। लेकिन आज आप पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर देख रहे हैं कि यदि विटामिन ए की कमी हो गई तो रोडोप्सिन पिगमेंट नहीं बन पाएगा, रोडोप्सिन पिगमेंट नहीं बन पाएगा तो कम प्रकाश में दृष्टि ज्ञान संभव नहीं है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो मेरे ख्याल से ये समस्या आपके यहां पर खत्म हो जाती है। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि जो रॉड सेल है, रॉड सेल का संबंध किससे है आपका, डिम लाइट विजन, ये ध्यान रखेंगे। अब मैं आता हूं किसमें, आपका कोन सेल में आ रहा हूं, ठीक है। कम प्रकाश दृष्टिकोण संबंधित कौन है, रॉड सेल, खत्म इसकी स्टोरी। दूसरी जो सेल है, दूसरी सेल को मैंने क्या बोला, ध्यान रखना यहां पर कोन सेल। दूसरी सेल कौन सी आपका, ध्यान रखेंगे यहां पर, यह हो गई आपका कोन सेल, ठीक है। ये हो गई शंकु कोशिका, ठीक है, ये शंकु कोशिका, ये आपका जो कौन सेल है, कौन सेल आपको इस तरीके से ध्यान ये दिखाई देगी, ये इस टाइप से। आपको समझाने के लिए काल्पनिक डायग्राम भी मैं बनाता हूं, ध्यान रखेंगे। तो भाई जैसे ये पिगमेंट है, ये पिगमेंट कौन सा पिगमेंट है आपका, ध्यान रखेंगे, इस पिगमेंट का नाम क्या है, फोटोप्सिन। इस पिगमेंट का नाम क्या है, फोटोप्सिन। तो ये पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है विजन इन ब्राइट टाइट, मतलब तीव्र प्रकाश में दृष्टि ज्ञान के लिए कौन सा पिगमेंट चाहिए, फोटोप्सिन पिगमेंट चाहिए। विजन इन, आप ध्यान रखेंगे, ब्राइट लाइट। आया समझ में, तीव्र प्रकाश में दृष्टि ज्ञान के लिए कौन सा पिगमेंट उत्तरदायी है, तो आप आंसर क्या देंगे वहां पर, फोटोप्सिन पिगमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यह ध्यान रखना है। हो गया क्लियर, यह फोटोप्सिन पिगमेंट हो गया। चलिए दूसरा अपने को यह ध्यान रखना है कि कौन सेल ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्नाइज थ्री प्राइमरी कलर, जो तीन प्राथमिक रंग होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन, उनको पहचानने की क्षमता कौन सेल में होती है, इसके लिए भी अलग अलग प्रकार के पिगमेंट होते हैं। इतना अपने को जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे सिंपल यहां पर बता दे रहा हूं, ये भी तीन अलग अलग पिगमेंट हैं। ये एक मान लिया जाए, ये रेड कलर को रिकॉग्नाइज करेगा, किसको रिकॉग्नाइज करेगा, ये आपका रेड कलर को रिकॉग्नाइज करेगा। ये वाला पिगमेंट क्या करेगा आपका, ग्रीन कलर को पहचानने का काम करेगा। ये वाला पिगमेंट क्या करेगा आपका, ब्लू कलर को पहचानने का काम करेगा। आए समझ में। अब ये पिगमेंट है, पिगमेंट क्या हो गई, एक प्रकार की प्रोटीन। पिगमेंट क्या हो गई, एक प्रकार की प्रोटीन। और आपको ध्यान होगा, मैं जेनेटिक्स पढ़ाते समय पढ़ाया था वन जीन एंड वन एंजाइम कॉन्सेप्ट, या वन सिस्ट्रॉन एंड पॉलीपेप्टाइड कॉन्सेप्ट, ये बताया था मैं
कि एक प्रोटीन को बनाने के लिए एक स्पेसिफिक जीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ध्यान में, एक प्रोटीन को बनाने के लिए क्या चाहिए अपने को? एक स्पेसिफिक जीन्स चाहिए। तो बोलने का मतलब क्या है, और मैं जेनेटिक्स में इसको पढ़ाया भी था कि जेनेटिक्स में हमने पढ़ा था कि कलर ब्लाइंडनेस की वंशागति या उसकी हेरिडिटी किस तरीके से होती है, जिसको हमने क्रिस क्रॉस हेरिडिटी के रूप में पढ़ा था। और वहीं पर मैंने बोला था कि इसका जो रिमेनिंग पार्ट है कि कलर ब्लाइंडनेस एक्चुअल में होता किस तरीके से, ये हम लोग आई का स्ट्रक्चर के समय में देखेंगे। तो यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि ये जैसे रेड कलर वाला पिगमेंट है, तो इस पिगमेंट को बनाने के लिए क्या चाहिए? एक पर्टिकुलर कोई जीन्स चाहिए। और ये जीन्स यदि रिसेसिव फॉर्म में है, ये जीन्स क्या है आपका, यदि रिसेसिव फॉर्म में है, आयतन में, आपको ध्यान होगा इसके लिए जीन्स हमने क्या लिया था, ये स्मॉल सी, पढ़े होंगे जेनेटिक में, ध्यान होगा, तो उधर पर अभी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि इस रेड पिगमेंट को बनाने के लिए एक स्पेसिफिक जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। ये जीन्स यदि रिसेसिव फॉर्म में होगा या प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाएगा तो ये पिगमेंट नहीं बन पाएगा, और ये पिगमेंट नहीं बन पाएगा तो उस केस में आप ये ध्यान रखेंगे कि वो व्यक्ति रेड कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। समझ में? तो ये हो गया। उसी तरीके से ग्रीन पिगमेंट है, इसको बनाने के लिए क्या चाहिए? एक स्पेसिफिक जीन्स चाहिए। ये जीन्स यदि रिसेसिव फॉर्म में है, अप्रभावी स्थिति में है, ये पिगमेंट नहीं बन पाएगा, तो जो इसका पेशेंट होगा उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। सेम वैसे यहां पर है आपका, मतलब ये जो हम कलर ब्लाइंडनेस को पढ़े थे जेनेटिकल डिसऑर्डर में पढ़े थे, आयतन में, तो ये आपको ध्यान रखना है किस तरीके से होता है। अभी केवल समझाने के लिए मैं यहां पर बता रहा हूं कि ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपका, कलर ब्लाइंडनेस, या जिसको अपन क्या बोलते हैं, वर्णांधता के नाम से जाना जाता है। और ये कलर ब्लाइंडनेस ये भी पूरा पढ़ा दिया था मैं, तीन प्रकार की कलर ब्लाइंडनेस होती है, रेड कलर ब्लाइंडनेस, ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस और ब्लू कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें हमने रेड को बोला था प्रोटेरोनोपिया, ग्रीन को हमने बोला था ड्यूटेरोनोपिया, और ब्लू कलर ब्लाइंडनेस को हमने क्या बोला था, ट्राइटोनोपिया कहा था। आयतन में ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है यहां पर। तो ये पूरी स्टोरी हमारी क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। जो लोग जेनेटिक्स पढ़े हैं, एक बार जेनेटिक्स वाले वीडियोस को देख के या उसके अकॉर्डिंग आपने नोट्स तैयार किया होगा, तो कलर ब्लाइंड पे एक बार फिर से आप मतलब अपना रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अब ये ध्यान रखना भाई, बहुत से बच्चे नए बच्चे हैं, नए बच्चे सबको देख के टेंशन में आ जाते हैं कि सर आप क्या क्या चीज को पढ़ा दिए हो। तो भैया आप देर से आए हो तो मान के चलिए कि बहुत सारी चीजें आपको बैकअप में जाना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए मैं मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, ठीक। और वैसे भी क्या होता है कि कोई भी एक सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, कि मैंने आपको पहले बताया कि हर सब्जेक्ट कहीं ना कहीं कि दूसरे से कनेक्टेड है, कि भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एग्रीकल्चर जुड़ा हुआ है, ठीक है, एग्रीकल्चर पढ़ा रहा हूँ एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री में जुड़ा हुआ है, तो ऐसे सब सब्जेक्ट कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। इसीलिए बोला जाता है कि कोई व्यक्ति किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ करके ना तो ढंग से पढ़ा सकता है और ना ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम को प्रॉपर निकाल सकता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालना मतलब आपको एक ब्रॉड आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो ऐसे सब कॉन्सेप्ट को आप कोरिलेट कीजिए, ठीक है। और इस चीज के लिए बिल्कुल कोई मेरे कॉल नहीं करेगा कि सर आप उस दिन बोल रहे थे कि ये वाला टॉपिक मैं पढ़ा दिया हूं, मैं तो नहीं पढ़ा हूं इसको, तो भैया तुम नहीं पढ़ो तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पर चलिए अब अपन यहां से बढ़ रहे हैं आगे, ठीक। ये हो गया भैया आपका कलर ब्लाइंडनेस। चलिए तो ये स्टोरी हमारी पूरी क्लियर हो जाती है कि रॉड सेल का फंक्शन क्या था, कौन सेल का, मतलब इस टॉपिक के हिसाब से यदि हम देखें तो हमको केवल ये ध्यान रखना है कि राइट जो रॉड सेल है रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन इन डिम लाइट, और दूसरा आपका क्या है कि जो कौन सेल है रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन इन ब्राइट लाइट एंड आल्सो फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ थ्री प्राइमरी कलर। इससे ज्यादा इस सिलेबस के हिसाब से अपने को करने की अभी जरूरत नहीं है। बाकी जो इसका डिटेल है वो आपका बायोलॉजी या जो एग्रीकल्चर जेनेटिक्स वाला पार्ट है उससे संबंधित है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए तो ये हमारी स्टोरी यहां पर एक क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब अपने को ये देखना है, यहां पर समझना है किस चीज को, कि भाई ये आपका जैसे नॉक्टर्नल एनिमल है, कौन है आपका ये नॉक्टर्नल एनिमल, तो नॉक्टर्नल एनिमल बोलने का मतलब क्या हो गया आपका, ये रात्रिचर जंतु, ये क्या हो गया आपका नॉक्टर्नल एनिमल, रात्रिचर जंतु हो गया ये। तो बोलने का मतलब ये है, ध्यान देना, कि भाई जो नॉक्टर्नल एनिमल है, भाई जैसे हम बोल दिए बैट, आउल, चमगादड़ है, उल्लू है, हाँ नॉक्टर्नल एनिमल है ये, तो अपने को स्पेशली उल्लू के केस में, जो भी नॉक्टर्नल एनिमल उसके केस में ध्यान रखना है, एग्जाम में जनरली उल्लू आता है, ठीक, तो नॉक्टर्नल एनिमल है, तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें वेल डेवलप रॉड सेल होती है एंड
लैक ऑफ कॉन्सेंस, मतलब या तो कौन सा अनुपस्थित होगी या बहुत ही कम मात्रा में पाई जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें पूरा खेल किस चीज का रहेगा, रॉट सेल का रहेगा, क्योंकि रॉट सेल का संबंध किससे है आपका, विजन इन डिम लाइट, कम प्रकाश में दृष्टिगान से संबंधित है आपका रॉट सेल, ध्यान रखेंगे। तो जो नॉक्टर्नल एनिमल है उनमें रॉट सेल बहुत ही विकसित प्रकार की होती है, पर्याप्त संख्या में पाई जाती है, लेकिन कौन सेल जिसका संबंध ब्राइट लाइट में विजन से है वो उसमें या तो अनुपस्थित रहेगी या बहुत ही कम मात्रा में पाई जाएगी। तो इसीलिए जो नॉक्टर्नल एनिमल है वो दिन में आपको कहीं पर इधर उधर घूमते फिरते दिखाई नहीं देंगी। आया कॉन्सेप्ट समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये रॉड सेल कौन सेल का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब इससे संबंधित थोड़ा सा एक चीज आपको और बता दे रहा हूं कि ये विजन होता किस तरीके से है, मतलब हमारे पास दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन था किस तरीके से कि भाई यदि हम तीव्र प्रकाश से, ब्राइट लाइट से, बिल्कुल बाहर सनलाइट में अपन है और उसके बाद अपन एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं, अंधेरे बोलने का मतलब कम प्रकाश है जहां पर, तो अपने को कुछ समय तक का कुछ भी दिखाई नहीं देता है, फिर अपन आँख को ऐसा मलते हैं उसके बाद क्या होता है, अपने सब चीज़ दिखाई देने लगता है। सेम वही कॉन्सेप्ट कि यदि हम कम प्रकाश वाले कमरे से या अंधेरे कमरे से बाहर तीव्र प्रकाश में जाएं तो कुछ समय के लिए अपने को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ये दो वैरायटी के क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, ध्यान रखेंगे, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। अब ये कैसे होता है अपने को समझना है, उसके अकॉर्डिंग अपन आंसर देंगे। फिर देखिए भाई, सबसे पहले आप ये कौन सी कंडीशन में है, आपको ये मैं बोल देता हूं, आप एक डिम लाइट वाली कंडीशन में है। कहां पर है आपका ये डिम लाइट वाली कंडीशन? डिम लाइट वाली कंडीशन बोलने का मतलब हम ये मान लेते हैं कि सुबह लगभग 5 बजे के आसपास, 5 बजे बिल्कुल हल्का हल्का उजाला रहता है अभी की स्थिति में, आया था ना। अभी आप यदि धोखे से किस दिन सुबह उठ जाए तो बाहर निकलना तो आपको बहुत कम प्रकाश होते समय दिखाई देगा। सेम उसी तरीके से शाम के समय लगभग 6:30 बजे के आसपास हल्का हल्का अंधेरा जब होने लगता है तो इस समय आप निकल करके देखिए, उसी को हम बोलेंगे डिम लाइट बोलेंगे, कम प्रकाश उसको बोला जाएगा, आया समझ में। या आप अपने कमरे में आ जाइए, लाइट नहीं जली होना चाहिए, समझ में आए कि नहीं, वो क्या है आपका कम प्रकाश है। तो जब हम डिम लाइट में होते हैं तो विजन किसके द्वारा होता है, ध्यान रखना है, इसके लिए रिस्पांसिबल कौन होगा, ध्यान रखेंगे आप। ये डिम लाइट में यदि हम विजन कर रहे हैं इसके रिस्पांसिबल कौन है, तो आपको ध्यान रखना है क्या आपका ये रोडोप्सिन पिगमेंट, कम प्रकाश में जो हमको दृष्टि ज्ञान हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, रोडोप्सिन पिगमेंट के द्वारा हो रहा है, आए समझ में। अब जैसे ही हम क्या किए, अंधेरे कमरे से निकल करके हम ये बाहर आ गए, बाहर आ गए हम कहां पहुंच गए, बिल्कुल तीव्र प्रकाश में पहुंच गए, अचानक हम कहां पहुंच गए, ये तीव्र प्रकाश, ये हम पहुंच गए कहां पर आपका ब्राइट लाइट में पहुंच गए, हम कहां पहुंच गए आपका ये ब्राइट लाइट में हम पहुंच गए, ठीक है। तो जब हम तीव्र प्रकाश में यहां पर पहुंच गए तो क्या होगा कि जो रोडोप्सिन पिगमेंट है, ये रोडोप्सिन पिगमेंट क्या हो जाएगा, यहां पर दो पार्ट में टूट जाएगा, दो पार्ट में क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, मतलब एक आपका क्या हो गया, वही आप जो बताया मैं आपको रेटिनॉल, और दूसरा क्या हो जाएगा, यहां पर एक पिगमेंट बनेगा, उस पिगमेंट को हम बोलेंगे स्कोटॉप्सिन, उसको अपन क्या बोलेंगे, ध्यान रखेंगे यहां पर ये स्कोटॉप्सिन, ये हो गया स्कोटॉप्सिन पिगमेंट, मतलब ये दो पार्ट में टूट गया, ध्यान रखेंगे, मतलब कुल मिलाकर के अब रोडोप्सिन पिगमेंट नहीं रह गया। तो जब रोडोप्सिन पिगमेंट नहीं रह गया तो अपने को ब्राइट लाइट में अब विजन नहीं हो पाएगा, यही वो टाइम है ध्यान रखना कि हम कम प्रकाश वाले कमरे से तीव्र प्रकाश में चले गए तो अपने को कुछ देख ले कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो रोडोप्सिन पिगमेंट है ये प्रकाश की उपस्थिति में आते साथ ही दो पार्ट में टूट गया, जब ये पिगमेंट है ही नहीं तो अपने को कहां से कुछ चीज दिखाई देगी, आए ध्यान में। अब ब्राइट लाइट में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ गई, अब ब्राइट लाइट में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ गई, ध्यान रखेंगे, ये आपका जो देख रहे हैं हम, ये आपका क्या है, ये ब्राइट लाइट, ठीक है। तो ब्राइट लाइट में विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, तो आपको ध्यान रखना है यहां पर कौन वर्किंग करना शुरू कर देगी आपका, ये कौन सेल के द्वारा वर्किंग स्टार्ट कर दी जाएगी, आए ध्यान में। ये जो ड्यूटी यहां पर चेंज हुई वही टाइम है कि अपने को कुछ समय के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और जस्ट अपोजिट यदि हम बात करें, अपोजिट क्या कि भाई हम यहां पर ब्राइट लाइट में है तो ब्राइट लाइट में हमको विजन हो रहा है किसके द्वारा, यहां पर कौन सेल के द्वारा विजन हो रहा है। अब कौन सेल के द्वारा विजन हो रहा है, तो जैसे ही हम क्या किए, ये ब्राइट लाइट से हम कहां पहुंचे आपका, ये अंधेरे वाले कमरे में पहुंचे। तो जैसे अपन अंधेरे वाले कमरे में पहुंचेंगे तो ये कौन सेल वहां पर काम करना क्या कर देगी, बंद कर देगी। और जैसे ही हम कम प्रकाश वाले में पहुंचे, ये दोनों आपस में मिलकर फिर क्या बना देंगे आपका, रोडोप्सिन पिगमेंट बना देंगे। तो इस तरीके से ये जो केमिकल चेंजेस होता है
वही टाइम है कि अपने को कुछ समय के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता है, यह आपको ध्यान रखना है। आया समझ में ये? तो ये था इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर। तो इसके बेस पे क्वेश्चन आता है तब उसको आप बना सकते हैं, ठीक। तो आप ध्यान रखेंगे कि किस कारण से हो रहा है, ड्यू टू टाइम टेकन बाय या मतलब ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस के दौरान जो समय लग रहा है उसी टाइम में अपने को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ किसका, यहाँ पर ध्यान रखेंगे रॉड सेल और कोन सेल का। साथ में आपने नाइट ब्लाइंडनेस को जाना और क्या जान गए आप यहाँ पे, कलर ब्लाइंडनेस को जान गए। कलर ब्लाइंडनेस का जो पेशेंट होगा वो ध्यान रखेंगे रेलवे सर्विस या ट्रैफिक सिग्नल वाली जहां बात होती है, जहां पे रेड कलर और ग्रीन कलर को रिकॉग्नाइज करना है, तो वहां पर इन लोगों को सर्विस में नहीं रखा जाता है, मतलब वहां पे मेडिकल टेस्ट होता है राजस्थान में। और दूसरा ये ध्यान रखेंगे कि जैसे कई बच्चे लोग अपनी कई प्रॉब्लम पूछते रहते हैं बीच बीच में, तो ध्यान रखना कि हम लोग की जो सर्विस है वही आप जो ACF एग्जाम में जाएंगे राजस्थान में या जनरल PSC में जाएंगे तो वहां पर मतलब जनरल मेडिकल चेकअप होता है, ये ध्यान रखना है। तो कोई डिसऑर्डर है भी उसके लिए परेशान होने की जरूरत अपने को नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा एक क्लियर, यहाँ पर रॉड सेल कोन सेल को भी अपन समझ गए। अब अपने को जानना क्या है इसमें, वही छोटा मोटा टॉपिक आपका बच जाता है, डिसऑर्डर्स ऑफ आई मतलब नेत्र से संबंधित दोष, ठीक है, नेत्र से संबंधित दोष या डिसऑर्डर्स ऑफ आई। तो जो आप पढ़ते चले आ रहे हैं वही है ध्यान रखना भाई, आप मतलब ज्यादा अच्छे तरीके से आप जानते हैं। ये देखिए मैं तो जो पढ़ाता हूं भैया, ये क्या हो गया आपका, ये हमने बोला ये मायोपिया, क्या बोल गया मैं आपका, ये मायोपिया बोला, मायोपिया मतलब क्या हो गया आपका, ये शॉर्ट साइटनेस, क्या हो गया आपका, ये शॉर्ट साइटनेस निकट दृष्टि दोष, ये हो गया शॉर्ट साइटनेस, शॉर्ट साइटनेस, ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, ये निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। तो मैंने आपको बता दिया था, ध्यान होगा कि भाई यदि हमको पास की वस्तु देखना है तो पास की वस्तु को देखने के लिए अपने क्या चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, और दूर की वस्तु देखना है तो ये स्ट्रेस पड़ेगा, अपने को लेंस कैसा होना चाहिए, कॉनकेव लेंस होना चाहिए। तो बिल्कुल दिमाग बैठा लीजिए, पास की वस्तु को देखने के लिए उत्तल लेंस और दूर की वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस की अपने को जरूरत पड़ती है, ये ध्यान रखना है। लेंस कैसा रहेगा, ये सिलियरी मसल्स अपने मूवमेंट के द्वारा उसको सेट करती है कि भाई लेंस की मतलब कैसा कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, उसके बेस पे उसका फोकस डिसाइड होगा कि कहां पर उसका फोकस पड़ना चाहिए। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, एकोमोडेशन पावर या समंजन क्षमता आपको मैंने बताया था, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हम इसकी वजह बात कर रहे हैं, मायोपिया की हम बात कर रहे हैं, तो ये तो आपको बचपन से क्लियर है। निकट दृष्टि से बोलने का मतलब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, क्या है यहां पर, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। तो अब ये हो क्या रहा है कि भाई ये आपके पास क्या हो गया, कॉर्निया, क्या हो गया आपका, ये कॉर्निया, इधर आपका क्या हो गया, ये लेंस, और ये क्या हो गया आपका, रेटिना, ये क्या हो गया आपका, रेटिना, ये कॉर्निया है, ये लेंस है, और ये हो गया आपका रेटिना। तो यहां पर भाई आपका हो क्या रहा है कि ये जो है आपका, ये इस तरीके से, ये हो गया ये रेटिना, ठीक है। तो भाई ये फोकस कहां पर होना था, यहां पर होना था फोकस, तो यहां पर फोकस ना हो करके ये फोकस कहां पर हो गया, जस्ट इन फ्रंट ऑफ रेटिना, या रेटिना के ठीक पहले यहां पर फोकस हो गया, में मतलब बोलने का मतलब क्या है कि भाई ये जो आपका फोकल लेंथ है, आयतन में क्या चीज आपका जो फोकल लेंथ है, भाई अपन फोकल लेंथ पढ़ते हैं ना कि भाई आपका क्या है कि ये आपका क्या है, लेंस है, ये आपका क्या हो गया, लेंस। तो भाई लेंस में आपका ये अपने को क्या मिलता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह, इसको अपन क्या बोलते हैं ये, ठीक है। तो यहां से जो डिस्टेंस है क्या कहलाता है आपका, इसको अपन बोलते हैं फोकस दूरी। यहां पर फोकस दूरी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है आयतन में। तो यहाँ पे चार पॉइंट अपना बन रहा है जो अपने को ध्यान में रखना है, क्या क्या, एक तो अपने को जानना है क्या यहाँ पर इसके नाम के अकॉर्डिंग कि क्या हो जाएगा अपने को, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑफ फोकल लेंथ, फोकल दूरी में क्या हो गया, यहाँ पे कमी आ गई। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका ये, ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या हो गया, ध्यान देंगे यहां पे,
इमेज फॉर्म जस्ट इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के ठीक सामने प्रतिबिंब बन रहा है। और चौथा पॉइंट यहां पर क्या हो गया आपका कि इसको रिमूव करने के लिए या इसको दूर करने के लिए अपने को पास की वस्तु इस पर दिखाई नहीं दे पा रही है, मतलब ये निकट दृष्टि बोलने का मतलब क्या है, पास की वस्तु इस पर दिख रही है लेकिन दूर की वस्तु इस पर दिख नहीं रही है, तो दूर की वस्तु को देखने के लिए कौन सा लेंस चाहिए, अवतल लेंस चाहिए। तो ये अपन क्या इस्तेमाल करेंगे यहां पर, कॉनकेव लेंस को इस्तेमाल किया जाता है। आया समझ में? तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, दूर की वस्तु क्या है ये अस्पष्ट, दूर की वस्तु क्या हो गई अस्पष्ट हो गई, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। इधर क्या हो गया फोकस दूरी, ये आपका फोकस दूरी क्या होता है, ये आपका स्मॉल एफ वन, ठीक है स्मॉल एफ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फोकस दूरी क्या हो गई आपका ये डिक्रीज हो गई, फोकस दूरी क्या हो गई यहां पर आपका ये डिक्रीज हो रही है, फोकस दूरी में कमी आ रही है। और क्या चाहिए अपने को, इमेज फॉर्म जस्ट इन फ्रंट ऑफ रेटिना, मतलब ये रेटिना है यहां पर ये इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, और लेंस कौन सा चाहिए इसको दूर करने के लिए, ये क्या हो गया आपका कॉनकेव लेंस की अपने को जरूरत पड़ेगी, ये ध्यान रखना है। ये स्टोरी क्लियर हो गई हमारी निकट दृष्टि दोष, और ये मान करके चलिए कि जो निकट दृष्टि दोष है ये बहुत कॉमन है, जनरली आपका 25 से 28 साल के आसपास ये अपने को दिखाई देता है। नॉर्मल अपन देखते हैं ना कि किसी चश्मा लग गया, तो चश्मा 90% केसेस में क्या होता है, मायोपिया होता है, वो शॉर्ट साइटनेस निकट दृष्टि दोष, जो कि लगभग 25 से 28 साल 30 साल के बीच में अपने को कंडीशन ये दिखाई देती है। हो गया स्टोरी क्लियर। चलिए अब दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगा आपका ये मेट्रोपिया, दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी आपका ये हाइपर मेट्रोपिया, दूसरी कंडीशन क्या हो गई आपका ये हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया को अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखना ये दूर दृष्टि दोष, क्या हो जाएगा आपका ये दूर दृष्टि दोष, या इसी को अपन क्या बोल देते हैं यहां पर फार साइटनेस या लॉन्ग साइटनेस, फार साइटनेस या लॉन्ग साइटनेस, हिंदी में दूर दृष्टि दोष। स्थिति वही है, ये देखिए यहां पर क्या हो जाएगा ये मतलब फोकस दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। अब फोकस दूरी बढ़ गई मतलब इमेज फॉर्म बिहाइंड रेटिना, मतलब प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर होगा, रेटिना के पीछे होगा, ये ध्यान रखना है। चारों पॉइंट को उल्टा कर दीजिए, चारों पॉइंट को उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा यहां पर निकट की वस्तु अस्पष्ट, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा, कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ेगी। आया ध्यान में भाई क्या हो रहा है यहां पर, पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिख पा रही है, पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिख पा रही है इसमें, ठीक है दूर दृष्टि दोष बोलने का मतलब क्या है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिख रही है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिख रही है, पास की वस्तु देखने के लिए कौन सा लेंस चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। ये था इसका कॉन्सेप्ट यहां पर, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट को उल्टा कर देंगे तो आपका क्या हो जाता है, ये हाइपरमेट्रोपिया हो गया। तो मोस्टली पहले मायोपिया होता है, उसके बाद लगभग आपका 35 से 40 साल के आसपास आपका कंडीशन आती है किसकी, हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन आती है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट अपन लेते हैं थर्ड नंबर पे प्रेसबायोपिया। थर्ड नंबर पे क्या हो जाता है आपका ये प्रेसबायोपिया। तो प्रेसबायोपिया बोलने का मतलब क्या होता है कि ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोल देते हैं, प्रेस बायोपिया बोला जाता है। ये तीसरी कंडीशन क्या हो गई आपका, इसको हम बोलते हैं ये प्रेस बायोपिया, ये हो गया प्रेस बायोपिया, ठीक है। तो प्रेस बायोपिया में क्या हो रहा है आपका भाई, प्रेस बायोपिया में इसी को हिंदी में अपन क्या बोल देते हैं, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष मतलब ये लगभग आपका समझ जाइए 45 के आसपास, 45 साल के आसपास क्या हो जाता है कि जो लेंस की जो समंजन क्षमता है वो लॉस होने लगती है, ऐसा उसका जो एकोमोडेशन पावर है वो लॉस होने लगता है। तो उस स्थिति में ना तो हमको पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कौन सा आपका, ध्यान रखेंगे ये बाईफोकल लेंस को इस्तेमाल किया जाता है। बाईफोकल लेंस बोलने का मतलब क्या रहता है कि भाई जैसे ये मान लिया जाए चश्मा है, ठीक है, तो इस चश्मा में क्या रहता है, ऐसा करके आप देखोगे जो पुराना मॉडल था चश्मा का अब तो नहीं दिखाई देता है, तो इसमें क्या रहता है कि ऊपर वाला जो रहता है, ऊपर वाला दूर का देखने के लिए अपने को रहता है, तो दूर का देखने के लिए अपने क्या चाहिए, कॉनकेव लेंस चाहिए। तो ऊपर वाला इसमें क्या रहता है आपका, ध्यान रखेंगे ये कॉनकेव लेंस होता है, अवतल लेंस, और ये नीचे वाला क्या रहता है आपका, ये
कॉन्वेक्स लेंस होता है या और उत्तल लेंस होता है। तो ये बाइफोकल लेंस भाई पास का देखना, जैसे थोड़ा झुक के अपन देखेंगे तो वो नीचे की तरफ क्या रहेगा, उत्तल लेंस रहेगा, और दूर से ऐसा देखना है वो क्या रहेगा, अवतल लेंस रहेगा। तो ये क्या होता है आपका बाइफोकल लेंस होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहां पर, ये लेते हैं अपन इसमें फिर आपका एस्टिगमेटिज्म। फोर्थ नंबर पर क्या मिलेगा आपका, ये एस्टिगमेटिज्म, ठीक है। तो एस्टिगमेटिज्म बोलने का मतलब क्या होता है, ध्यान रखेंगे आपका कि इसको अपन बोलते हैं ये दृष्टि वैषम्य, क्या कहलाता है आपका, ये दृष्टि वैषम्य इसको कहा जाता है। तो दृष्टि वैषम्य में क्या हो जाता है आपका कि जो इमेज है वो हॉरिजॉन्टल बनने लगती है। इसमें इमेज कैसी बनने लगती है आपका, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज बनने लगती है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल इमेज फॉर्म होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल इमेज बनने लग जाएगी एस्टिगमेटिज्म, ठीक। और इसको रिमूव करने के लिए अपने को चाहिए रहता है कौन सा, सिलेंड्रिकल लेंस की अपने को जरूरत पड़ती है। आया ना, कौन सा लेंस अपने को चाहिए, ये सिलेंड्रिकल लेंस चाहिए अपने को। ये स्पेलिंग देख लेंगे सिलेंड्रिकल की सही है या गलत है। सिलेंड्रिकल लेंस मतलब क्या हो गया आपका, ये बेलनाकार लेंस की जरूरत पड़ती है, ध्यान रखेंगे। मतलब सर्वाधिक बार आया हुआ क्वेश्चन ये ध्यान रखना कि एस्टिगमेटिज्म को रिमूव करने के लिए कौन से लेंस की जरूरत पड़ती है। आंसर आप क्या देंगे, सिलेंड्रिकल लेंस या बेलनाकार लेंस को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मेजर जो डिसऑर्डर हैं यही है आपका, ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी नाम है उसको भी अपन देख लेते हैं, ये हालांकि मेन जो है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग यही है। इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर ये कैटारेक्ट, इसके बाद क्या आता है आपका, ये कैटारेक्ट। कैटारेक्ट को अपन बोलते हैं, ध्यान रखना यहां पर, ये सफेद मोतिया, क्या बोलते हैं इसको, ये सफेद मोतिया, सफेद मोतिया ध्यान रखना, व्हाइट मोतिया नहीं बोलना है इसको, सफेद मोतिया बोलते हैं, SFAID सफेद मोतिया। और ये क्या है, कैटारेक्ट। इसमें क्या होता है, लेंस बिकम ओपेक, इसमें क्या हो जाता है, लेंस बिकम ओपेक, मतलब जो लेंस है वो क्या हो जाता है, अपारदर्शी। लेंस क्या हो गया, अपारदर्शी हो गया, ओपेक हो गया। तो ओपेक हो गया मतलब क्या है कि अब लाइट वहां से पास ही नहीं हो पा रही है, तो पास नहीं हो रहे तो दिखाई कहां से देगा, आया में। तो मोस्टली जो अपन केस वगैरह देखते हैं कि जो लेंस को चेंज करवाते हैं, आया में, लेंस मतलब ट्रांसप्लांट करवाते हैं या लेंस का प्रत्यारोपण कराते हैं, तो यही कैटारेक्ट होता है, आपको ध्यान रखना है, जिसको अपन सफेद मोतिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आपको मिलेगा क्या यहां पर, और ये ग्लूकोमा, ऐसी सामान्य जानकारी ध्यान रखना है, एग्जाम वगैरह में बहुत काम आता है, एग्जाम तक का 5 तक का ही है ये। तो ये क्या हो गया आपका, ग्लूकोमा, ये क्या हो गया आपका, ग्लूकोमा, ठीक है। ये हो गया ग्लूकोमा, ग्लूकोमा को अपन क्या बोलते हैं, ये काला मोतिया, ये क्या हो गया आपका, काला मोतिया। काला मोतिया बोलने का मतलब क्या होता है कि जो हमारा विट्रियस ह्यूमर वगैरह भरा हुआ है, विट्रियस ह्यूमर का अमाउंट वगैरह में चेंजेस आता है, तो बाल क्या हो जाएगी, आई बाल, उसका शेप चेंज होने लग जाएगा, तो उस टाइप के कंडीशन को अपन क्या है, काला मोतिया बोलते हैं। ज्यादा मैं भी इसके बारे में नहीं जानता हूं, बस ये नाम अपने ध्यान रखना, क्योंकि एक वैरायटी क्वेश्चन की ये रहती है कि निम्नलिखित में से कौन आई से संबंधित डिसऑर्डर है या कौन आई से संबंधित डिसऑर्डर नहीं है, तो उसको बनाने में ये जानकारी अपने को हेल्प करती है, ठीक है। ये हो गया, इसके अलावा आपको जानना है क्या यहां पर, उस दिन बताया था कल आपको मैं, ये क्या हो गया, कंजंक्टिवाइटिस। तो कंजंक्टिवाइटिस ये बताया था मैं आपका कि आइदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन, जिसके कारण कंजंक्टिवा मेम्ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है, कंडीशन को क्या बोलते हैं, कंजंक्टिवाइटिस। इसके अलावा और भी आप ले सकते हैं यहां पर, ये क्या हो जाएगा आपका, इसी में आपका आ गया ट्रेकोमा, ये क्या हो गया आपका, ट्रेकोमा। ये सब नाम आपको याद रखना है कि आई से संबंधित ये डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारी स्टोरी क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है कि आई से संबंधित जो डिसऑर्डर हैं या उससे संबंधित जो दोष हैं उसको अपन किस तरीके से कवर करते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक। इसके अलावा ये ध्यान रखना है अपने को कि थोड़ा सा टॉपिक से अपन बाहर जा रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। टॉपिक से बाहर बोलने का मतलब क्या होता है कि जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं स्पेशल ना, ये मतलब बिल्कुल टॉपिक से हम बाहर चले गए, ये आपका इंसेक्ट, इंसेक्ट वगैरह में पाई जाती है क्या आपका, कंपाउंड आई, क्या पाई जाती है यहां पर, ये कंपाउंड आई पाई जाती, ध्यान रखना, ये जीके वगैरह में आता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। कंपाउंड आई, कंपाउंड आई मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, को संयुक्त नेत्र। और जो कंपाउंड आई है, कंपाउंड आई की यूनिट को अपन क्या बोलते हैं यहां पर, ओमेटिडा, इसको अपन क्या बोलते हैं, ओमेटिडा। आया ध्यान में, कंपाउंड आई को अपन क्या बोलते हैं, ओमेटिडा।
मतलब जैसे मान लीजिए कॉकरोच की हम बात करें, ठीक है, तो कॉकरोच के पूरे बॉडी में आपको ये ऐसा करके स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये ओमेटिडा, आया था ना, ये ओमेटिडा, ये ओमेटिडा, ये ओमेटिडा, आया था ना, बहुत सारे ओमेटिडा रहेंगे। और ये सब ओमेटिडा में जो लाइट अपने को पड़ेगी, ये लाइट को रिसीव करके एक अपने को कॉमन इमेज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा, एक कॉमन इमेज, मतलब जितने भी ओमेटिडा हैं ये सब लाइट को रिसीव करके एक इमेज या एक पूरा आई का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसी को अपन कंपाउंड आई बोलते हैं। तो ज़्यादा यहाँ पर भी अपने करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी धोखे जाता क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखेंगे कि कंपाउंड आई किसका करेक्टर है। तो कंपाउंड आई किसका करेक्टर है, इंसेक्ट का करेक्टर है। कंपाउंड आई की यूनिट क्या होती है अपने ध्यान रखना, ओमेटिडा इसको बोला जाता है। और बाकी यदि सिलेबस में होता तो अपन को डिटेल करते, ठीक है। तो वैसे ही हमारा सिलेबस क्या है, काफ़ी आगे बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा वास्ट होते जा रहा है। बहुत से बच्चे क्या है आजकल रोना शुरू कर दिए हैं मोबाइल में, कह रहे सर इतना सारा काम रिवीजन कैसे करेंगे। तो ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना को ही आप कर लो, बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हो पाता है। शुरू में हमको ऐसा लगता है हम ये भी पढ़ लें ये भी पढ़ लें, लेकिन जब लास्ट टाइम रिवीजन का समय आता है उस समय हमारी हालत क्या है, खराब हो जाती है। और मैंने आपको बार बार बताया कि भाई आपका यदि सिलेक्शन नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होने का कारण केवल प्रॉपर रिवीजन ना हो पाना, सरल क्वेश्चन को कंफ्यूज होकर के गलत करना, ये आपकी असफलता का कारण बनेगा, ध्यान रखेंगे। समझ में आया ना, कोई व्यक्ति कठिन क्वेश्चन को गलत करके ये नहीं बोल सकता कि मैं मतलब असफल हूं। असफलता का कारण एकमात्र बनेगा, ध्यान रखना, कि आपको जो यहाँ पर वीडियोस दिखाई दे रहे हैं या जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है या जो फिजिक्स केमिस्ट्री के सर पढ़ाए हैं, उस टॉपिक के क्वेश्चन को यदि आपने वहां पर गलत किया तब आपको क्या है, असफलता मिलेगी, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये अपन बढ़ रहे हैं आगे, ऑलमोस्ट ये मुझे लग रहा है कि जो आई वाला टॉपिक है, आई वाला टॉपिक हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। बाकी सामान्य जानकारी आप रखेंगे कि भाई ऑप्थेल्मोलॉजी, जो नेत्र का अध्ययन वगैरह को अपन क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक। तो ये ऑलमोस्ट जो टॉपिक है मेरा कंप्लीट हो जाता है, और जो इसके बाद जो फिजिक्स में जो हमारे आदरणीय वर्मा सर हैं उनके क्लास फिर आपको कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, ओके।